हम सबकी वार्डरोब में कभी ना कभी एक साड़ी तो ऐसी निकल ही आती है जिसको हमने कभी वेयर नहीं किया होता है, या फिर कभी एक बार वेयर किया होता है और दोबारा कभी भी वेयर नहीं किया, वो सिर्फ हमारे वार्डरोब में टंगी रहती हैं। तो गाइस, आज जब मैं सुबह अपनी वार्डरोब खोल रही थी तो मुझे भी एक ऐसी साड़ी टंगी दिख गई थी अपनी वार्डरोब में जिसको मैंने कभी वेयर नहीं किया, और वहीं से मुझे इस वीडियो का आइडिया आया कि ये चीज़ें आपके साथ भी होती होंगी जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, तो क्यों ना इन साड़ीज़ को रीस्टाइल किया जाए। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आपकी वार्डरोब में अगर कुछ पुरानी साड़ीज़ ऐसी पड़ी हुई हैं जिनको आप वेयर नहीं करते हो तो उनको आप रीस्टाइल करके वेयर कर सकते हो। हाय गाइज, दिस इज रश्मि, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज का वीडियो मतलब बहुत ही अलग वीडियो है, मैंने अभी तक अपने चैनल पे ऐसा कोई वीडियो नहीं किया है। मुझे थोड़ा सा सुबह जब मैं अपना थोड़ा वार्डरोब थोड़ा सा साफ कर रही थी तो मुझे एक ऐसी साड़ी मिली जिसको मैंने कभी वेयर नहीं किया। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन सी साड़ी थी वो। तो ये मुझे रेड कलर की साड़ी मिली जो कि मैंने अमेजोन से मंगाई थी, एंड बाय द वे ये रेडी टू वेयर साड़ी है, बट इसको मैंने कभी वेयर नहीं किया है अभी तक। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको रीस्टाइल करके आपको दिखाती हूँ, कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे। इसको मैं डिफरेंट डिफरेंट ब्लाउजेस के साथ स्टाइल करूँगी, डिफरेंट डिफरेंट ज्वेलरी के साथ, और थोड़ा सा इसका लुक चेंज करने की कोशिश करूँगी जिससे कि इसको मैं अलग अलग तरीके से रीस्टाइल कर सकूँ और हर बार ये सेम ना लगे। तो कुछ ऐसी साड़ीज़ होती हैं आपके पास भी जिनसे आप एक टाइम के बाद बोर हो जाते हो, या फिर जिनको आप खरीद लेते हो लेकिन उसके बाद आप उनको कभी पहनते नहीं हो, आपको समझ में नहीं आता कि इसको स्टाइल कैसे करें। तो आज हम इस रेड साड़ी के साथ में यही करने वाले हैं। एंड गाइस, बाय द वे, आपको अगर इस साड़ी का लिंक चाहिए होगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो अगर आपको ये साड़ी पसंद आती है। तो फर्स्ट लुक में हम पूरा मोनोक्रोम लुक क्रिएट करेंगे। इस साड़ी के साथ मैं सेम कलर का ब्लाउज ले रही हूँ, और ये ब्लाउज मेरे पास ऑलरेडी है, ये मेरी दूसरी साड़ी का ब्लाउज है, बट इसमें थोड़ा सा स्लीव्स पे थोड़ा सा हैवी वर्क हो रहा है और बाकी पूरा ब्लाउज प्लेन है। तो इस साड़ी के साथ थोड़ा सा इस तरीके का ब्लाउज जाएगा, तो मैं पहले इसके साथ एक मोनोक्रोम लुक क्रिएट कर रही हूँ, देखते हैं कैसा लगता है। ओके, सो ब्लाउज इज डन। इस साड़ी का ब्लाउज जो है बट स्टिल इसके साथ काफ़ी अच्छे से मैच कर रहा है। एंड ज्वेलरी के लिए मैं सोच रही हूँ कि ये कुंदन का सेट पहन लूँ इसके साथ में, क्योंकि कुंदन का सेट थोड़ा सा रॉयल लगता है और साड़ी भी थोड़ा सा अच्छी लग रही है, बॉर्डर वाली साड़ी है। तो इस तरीके की बॉर्डर वाली जो साड़ीज़ होती है ना उनके साथ में इस तरीके के सेट काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो मैं इसको ट्राई करती हूँ पहले। आई थिंक ये इसके साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है, एंड इसके साथ में जो इयररिंग्स है ना, मैं इयररिंग्स भी एक बार वेयर करती हूँ एंड फिर हमें समझ में आएगा कि ओवरऑल कैसा लग रहा है। इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस, काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अभी हम थोड़ा सा रेड बैंगल्स डालेंगे और रेड लिपस्टिक। तो मैंने इसमें रेड बैंगल्स के साथ में गोल्डन कड़ाज भी ऐड किए हैं जिससे कि इसका जो बॉर्डर है वो इसके साथ में थोड़ा बैलेंस हो जाए, और रेड लिपस्टिक मैंने अप्लाई कर ली है। आप चाहो तो इसके साथ में बन भी बना सकते हो एंड गजरा लगा सकते हो वाइट कलर का, थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक देने के लिए, बट अगर आप थोड़ा सा इसको मॉडर्न टच देना चाहते हो तो आप ऐसे भी इसको स्टाइल कर सकते हो। एंड आई थिंक ये लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। और नेक्स्ट लुक के लिए मैं इसके साथ थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज यूज़ करूँगी, एंड रेड के साथ आई थिंक ये मस्टर्ड काफ़ी अच्छा लगेगा। मेरे पास ये ब्लाउज भी रखा हुआ था पहले से, तो आपके वार्डरोब में भी डिफरेंट डिफरेंट साड़ीज़ के डिफरेंट डिफरेंट ब्लाउजेज होंगे, तो आप उनको मिक्स एंड मैच करके रीस्टाइल कर सकते हो। तो ये ब्लाउज मैं इसके साथ में रीस्टाइल करने वाली हूँ, और इसमें थोड़ा सा रेड बॉर्डर है, दैट्स वाई ये इसके साथ में काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा। एंड या फिर ये बिल्कुल प्लेन होता तब भी इसके साथ काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता, प्लेन ब्लाउजेज होते हैं ना उसमें थोड़ा कलर का इशू नहीं होता है। मैं इसको पहले स्टाइल करती हूँ एंड देखते हैं इसके साथ ये वाली ज्वेलरी जाएगी या नहीं जाएगी, हमें चेंज करने की ज़रूरत है तो वो भी हमें देखना होगा। तो आई थिंक मस्टर्ड कलर का ब्लाउज भी इसके साथ काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, एंड ज्वेलरी इसके साथ मैच कर रही है, बट मैंने थोड़ा सा इसको पीछे से शॉर्ट कर लिया है जिससे कि थोड़ा सा हमारा लुक चेंज हो जाए। अभी थोड़ा सा हमें बैंगल्स पर काम करना है क्योंकि मैंने मस्टर्ड कलर का ब्लाउज पहना है, तो मुझे बैंगल्स में थोड़ा मस्टर्ड कलर ऐड करना होगा। जब भी आप कोई कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज पहनते हो साड़ी के साथ, तो आप अगर उस ब्लाउज के मैचिंग की बैंगल्स पहनोगे तो वो आपके लुक को काफ़ी अच्छे से बैलेंस करेगा और बहुत इन्हांस करेगा आपके लुक को। अगर आप साड़ी के मैचिंग के बैंगल्स पहनते हो चल जाएगा, दैट इज़ ओके, बट अगर आप ब्लाउज के मैचिंग का पहनते हो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ चेंज करके कि अगर मैं मस्टर्ड कलर का बैंगल पहनूंगी तो कैसा लगेगा। अभी ये ऐसा लग रहा है।
तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने बैंगल्स चेंज कर लिए हैं, तो अभी ये कितना बैलेंस कर रहा है कि यहाँ पर मस्टर्ड है, देन ये रेड एंड बैंगल्स में रेड एंड मस्टर्ड मैंने दोनों ऐड किए हैं, जस्ट बिकॉज ब्लाउज में भी रेड कलर है और मस्टर्ड कलर है। तो अब बारी आती है पूरा लुक देखने की, तो मैं अभी आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। थर्ड लुक में मैं इसके साथ में ये सटल सा गोल्डन ब्लाउज पहनने वाली हूँ, और जो कि मैंने मीशो से लिया था। तो ये वाले ब्लाउज का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बाकी दोनों ब्लाउजेस का मैं नहीं दे सकती बिकॉज वो ऑफलाइन सारीज के हैं, इसका मैं आपको लिंक दे दूंगी। तो अभी इसके साथ में स्टाइल करने वाली हूँ और इसको प्रॉपर एक मॉडर्न लुक देने वाली हूँ। तो इस ब्लाउज के साथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये थोड़ा सा स्वीट हार्ट नेक में ब्लाउज है, और जब भी मैं थोड़ा सा कुछ मॉडर्न लुक देती हूँ किसी साड़ी के साथ में, तो मुझे नेक पीसेस पहनना उतना पसंद नहीं है, तो मैं बस क्या करती हूँ कि बड़े बड़े इयररिंग्स पहन लेती हूँ एंड I'm good to go। तो अगर आपको नेक पीसेस पहनना पसंद है तो आप क्या कर सकते हो कि एक चोकर डाल सकते हो और छोटे से स्टड्स पहन सकते हो, बड़े नेक पीसेस उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे, एंड या फिर आप इस नेक पीसेस को स्किप कर सकते हो और बड़े बड़े इयररिंग्स डाल सकते हो। तो मैंने हाई बन बना लिया है एंड थोड़ा सा यहाँ पर ये बालों को कर्ल्स कर लिया है, तो ये थोड़ा सा एक अच्छा एक मॉडर्न लुक दे देता है आपके ओवरऑल लुक को। तो मैं इयररिंग्स डालती हूँ, इयररिंग्स भी क्योंकि मेरा ब्लाउज जो है वो गोल्डन सटल गोल्डन है, एंड उसके साथ में मैंने बैंगल्स भी सटल गोल्डन ही डाले हुए हैं ताकि ये इसको कॉम्प्लीमेंट करे। तो मैं ऐसा ही कुछ मिलता जुलता थोड़ा न्यूट्रल टोन में ये कुंदन वाले इयररिंग्स डालूंगी, जो कि मेरे ओवरऑल लुक को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे लुक इसके साथ में। अगर मैं यहाँ पर नेक पीसेज ऐड करूँगी तो थोड़ा सा ओवर लगने लगेगा। अगर आपको नेक पीस ऐड करना है देन आप यहाँ पर छोटे से स्टड्स पहनो और यहाँ पर चोकर ऐड कर लो, ज़्यादा बड़ा मत ऐड करो अगर आपको मॉडर्न लुक देना है। एंड अभी हम देख लेते हैं कि फाइनल ओवरऑल लुक कैसा लग रहा है। गाइज आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, एंड आज के तीनों लुक्स में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा वाला लुक अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड आप भी इस तरीके के लुक्स ट्राई कीजिए, आपको आपकी जो पुरानी साड़ीज़ है ना उनको पहनने का मौका मिल जाएगा दोबारा से। गाइज अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।